त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् Thank you.
अक्षरम बधाए बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के मयारू बेटा जे करते खेती की सानी जी, जेकर मेहनत के उपज थे दाई हो, फाग को तो उधारी जी। चाटी हाथी मिर्गत यहाँ होते जे की पानी जी, भारत माता के गोद में रूपुले फूल के फूले है, मोर छत्तीसगढ़ महतारी जी, छत्तीसगढ़ महतारी जी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी है, Yeah।
नामन रे भगत है तो नाना विधि करत चरित्र भौतिकता के चकाचौंध में सराबोर जमो मनखे के जिंदगी कोनोला काकर बात उसरत नहीं है ऐसन अनमोल बेरा में आप और हम सब अपन जिंदगी के थोड़ा कम समय निकाल के भगवान के गोद खबर से निकल तो जिंदगी धन हो जाते हैं और जिंदगी धन कब होगी जब हम राम के गोद कर दूं तब संत मंडल के थे एक घड़ी आधो घड़ी पुनी आधो की आधो तुलसी चर्चा राम के कटे को अपराध सौभाग्य है श्राद्ध पक्ष के अंतिम बेला में समस्त ग्रामवासी धनी टोला के जब माता बहनों श्याम संवारी मंदिर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव मित्र त्रविण तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव भाव लेके राम कथा आयोजन करे हो आप चमो आयोजक समिति हमार मानस रूपी रथ के रथवार मानस मणि आदरणीय उद्घोषक महोदय बड़े भैया श्री शर्मा और अपन जिंदगी के अमूल्य समय ला निछावर करके मंच में पदस्थ आसीन हमर नील मने जल नायक मने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विराजित जम्मू निर्णायक महोदय मल्ला श्री राम जानकी मानस राम धुनी परिवार राम गोपनी चुआ राम मुनांचल अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के धर में सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जोर पानी के भाव से शीश नमन स्वीकार हो राम कथा प्रेमी सज्जनों सौभाग्य है हमारे बड़े भैया परम सम्मानी कमल नारायण जी देशमुख और स्वर्गीय मामा श्री भगवानी राम जी गंधर्व जैन मन ये रामचरित मानस की कथा ला नाच के माध्यम से खेले सौभाग्य है व्यापक जगलायनी है यज रामा नीर गुण नाम में रूप हो रामा भगत है तू नाना विधि रामा करत चरित्र रूप हो रामा भगत है तू नाना विधि रामा करत चरित्र रूप हो रामा माया में भरम गिरे मन जाने नहीं हरि भजन जियत भर में तै लपटाए हो गए अभिधरे माया में भरम गिरे मन पर सुखा ये रामचरित मानस की कथा ला नाचा मंच में रामायण गम्मत हमार बड़े भैया सम्मान्य देशमो भैया खेले बस यही भाव ला आज राम कथा आयोजन होते मन में जो भी भ्रम है ला निछावर करके राम कथा में मन लगावन गाइते रहो आज आप मन के बीच श्री रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बाल कान से कथा प्रसंग होते तेरे बजावा था अब रामायण के बात है बात आते तो रामायण का है रामायण का है राम अयन अयन मने दर्पण भाई दर्पण ला देख के हम अपन बही रंगला सजाए थन समाले थन दाई हो पर भीतर रंगला सजाए समारे पर राम रूपी दर्पण के जरूरत है छात के देखन रामायण ला सीता और राम कैसन ढंग ले चरित्र नहीं नो हम किसे चरित्र करत थन सीता और राम के चरित्र संग अपन चरित्र ला जोड़ लेना तब सार्थक है रामायण सुने और पढ़े में नहीं तो भैया पढ़े रामायण पर जोरदार रामायण और मन में बैठन बात नहीं रामायण तो का काम के रामायण भाई एक सिद्धि गोस्वामी जी कही थे कली काल कुठार लिए कर में तन नम्र से चोट झीले न झीले मलिया चल की सुच शीतल मंत्र सुगंध समीर मिले जप ले हरि नाम हरि रसना
जप ले प्रभु नाम हरि रसना। तेरे अंत समय में मिले एक सती हमारे सत्यवान कहे थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ये संसार के हित वर सुरक्षे वर विश्वामित्र कथे। ये विश्वामित्र महाराज कहाँ है? जंगल में। अब जंगल के बाद आता जंगल में मंगल घलो थे, अमंगल घलो थे, ता ये संसार घलो जो जंगल के स्वरूप आवे ना, ये संसार रूपी जंगल में रही गए जे माया के पीछू भागा थे और जिंदगी में अंधियार छा जाते, और जे भगवान के पीछू जावा थे और जीवन में उजाला हो जाते, प्रकाश हो जाते। तो आज विश्वामित्र महाराज अपन मन में विचार लाते कि संसार में राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ चुके हैं और यज्ञ करना चाहिए। सुंदर यज्ञ की तैयारी करते हैं, यज्ञ के रचना करते हैं, और यज्ञ में यज्ञी देवला विश्वामित्र महाराज है तो स्तुति करते हैं, सुंदर आसन लगाते हैं विश्वामित्र महाराज, और सुंदर यज्ञ में यज्ञी देव स्तुति करते हैं। ओम यज्ञ देवाय नमः। ओम यज्ञ देवाय नमः। ओम यज्ञ देवाय नमः। ओम यज्ञ देवाय नमः। यज्ञ में यज्ञ देवतों के प्रकट हो जाते, यज्ञ के शांति रूपी धुआं पूरा विश्व में पूरा भूमंडल में छा जाते, जेकर महकला जेकर सुगंधला सुभक ईर्षा रूपी तारका के बेटा दुर्बुद्धि रूपी मारिच और दुख रूप सुबाहु कटे में ओन बेरी यज्ञ करते गए, यज्ञ करते भला भोजन भूखा आवत है। बोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। Thank you.
सुबाहु मने द्वेष। ये दोनों भाई आपस में चर्चा करते कहे भाई बारिश का भाई सुबाहु ये मुनि ने तो देख हमारे जंगल में विश्व कल्याण पर ये क्या गलत है। एक अभेद के लम भंग करके मुनि की दुर्गति करके जंगल से भगाना है। विश्वामित्र महाराज के यज्ञ का भंग करते थे दाई देता हो और विश्वामित्र महाराज के दोनों भूले ना पड़ा नहीं से खाए में जाके फुटे में थे गाधित नय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहु न निसुचर। महाराज गाधित के पुत्र विश्वामित्र महाराज के मन में व्यग्रता हो जाते विग्रता छा जाते ये पापी मन ये राक्षस मन भगवान के बिना नहीं मर सके भगवान अही तभी अमला मान सकते। ऐसे कह के विश्वामित्र महाराज तब अपन अंत आत्मा में भगवान के ध्यान करते और भगवान के अवतार कहाँ हो है दाई दत्त है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ महाराज के अंगना अवधपुर में हुए हवे। चार झन लड़का राजा दशरथ महाराज ला बुढ़ाप काल में चौथा पन में चार झन बेटा के प्राप्ति हुई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों झन लड़का मन शिक्षा प्राप्त करके अवध्या में लहूलत है जम्मो नारी मन खुशी मनावत झूमत नाचत गावत है। का कहे राज महल राज महल जन्मिन चारो राम जन्मिन चारो सब नाचे सब नाचे विश्वामित्र महाराज आगे खड़े हैं और की बात वो सुनी राजा दशरथ महाराज हटाई दे दो सहसा पर आसन से उठते और मुहाटी तक लेवाए जाते पर सुंदर राजा महाराज जाते हैं और शीस नमन करते हैं। महाराज प्रणाम स्वीकार हो आओ आपके स्वागत है आओ 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 श्रेष्ठ आओ आपके स्वागत है महाराज सुंदर आसन ग्रहण करते हैं। राजा दशरथ महाराज और सुंदर गुरु के पूजा करते शीश नमन करते गुरु विश्वामित्र महाराज साक्षात विश्वास के प्रतीक दाई देता हो और राजा महाराज जो तो इतने लचीक डरे है वो राजा दशरथ महाराज आज विश्वामित्र के सुंदर पूजा अर्चना करते का कहे Thank you.
महाराज सुंदर विश्वामित्र महाराज की पूजा करते हैं। पश्चात राजा है ना, तो विश्वामित्र महाराज का कुशल तक पूछते कहे, हे ऋषि श्रेष्ठ, गजब दिन के बाद हमार अंगना में आए हो, हम बहुत आभारी हैं। हमार ये धराधाम के माटी आपके चरण कमल पड़ी सी, हमार धराधाम पवित्र हो गए मुनि श्रेष्ठ, आप गजब दिन में हमार अंगना में आओ, का खातिर बरा हो। विश्वामित्र महाराज राजन के बात सुनते हो कठे, राजा महाराज तुमन तो जाना था मैं जंगल में रहता हूँ, जब तक योग्य योग साधन करता हूँ ओकरे रक्षा करे खातिर बने तुम्हारे दिन में आ। और की बात का सुनते राजा है कठे मुनि श्रेष्ठ, एक बार आप चिंता करते चिंता मत करो, अपन मन में व्यग्रता मत लाओ, मैं स्वयं आपके यज्ञ रक्षा कर रहा हूं, अपन सैन्य शक्ति ने दी है। राजा के गोट ला सुनते विश्वामित्र महाराज कहे, नहीं नहीं राजा महाराज, मोला तुम्हार मन के जरूरत नहीं है। राजा महाराजा मन में सोच थे, जब मोर जरूरत नहीं है कठे, अब बोलो ये कहा थे कि यज्ञ के रक्षा बन जाना है, तो ये काला मांग नहीं का कही। राजा महाराज मन मन में सोचा थे, तब विश्वामित्र महाराज कहे, राजा महाराज तुम्हार बेटा राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण ना बोल दे दो। राम और लक्ष्मण की बात लखन थे राजा है, तो राजा के हृदय कचोट थे, हे भगवान राम और लक्ष्मण ना मांगा थे राजा महाराज है, तो उनका जीव रूपी मैना है, तो तड़प उठे। और सच बात है, चिंतन करे के बाद सुन दो, आज विश्वामित्र महाराज बोलना मांगा थे जे तसो इंद्र ने जीत ना रहे, ओकर से ज्ञान और वैराग्य मांगे थे, अर्थात ज्ञान रूप राम वैराग्य रूप लक्ष्मण ला विश्वामित्र महाराज ने राजा दशरथ से मांग थे। अति बात ला सुन थे राजा महाराज के जीव जीव में तड़प के कथे, मैं ना यूमी तिहु पिगिरल बोले राम, तिहु पिगिरल बोले राम ये तन का पायरा, ये तन का पायरा मने पूजा के बिना भक्ति नहीं मिले, राख जतन करे
गुरु वशिष्ठ महाराज जेला साक्षात त्याग के प्रतीक माने गए है वो है आज राम और लक्ष्मण तजे खाती पर गुरु विश्वमित्र गुरु वशिष्ठ महाराज राजा के मन जीव रूपी मंडला समझा थे धीरे धीरे सिंह के बाप राजा महाराज कहते थे गुरुदेव मैं राम ला सिर था अपन बेटा समझ रखे हैं गुरुदेव ये मन भूले राम ला सिर था अपन लेकर समझ रखे हैं ये मन भूले मैं क्षमा चाहता हूं गुरुदेव आज मैं प्रण करता हूं कि राम और लक्ष्मण ला तत्काल विश्वमित्र महाराज के चरण में सो ठीक है गुरुदेव राम लक्ष्मण सुंदर महल से निकल के राजा महाराज के सभा में आते हैं और सुंदर तीनों मूर्ति के प्रणाम करते हैं सुंदर राम लक्ष्मण प्रणाम करते पश्चात राजा महाराज है तब राम और लक्ष्मण अपन सीना से लगाते हैं अपन सीना से लगाते हैं और कहे बेटा राम बेटा लक्ष्मण जा विश्वमित्र महाराज के यज्ञ अच्छे बन जाओ और आशीर्वाद है और आज्ञा है जा बेटा जा सुंदर आज्ञा बाकी आशीर्वाद आगे माता कौशल्या से बिना ले खातिर बन जाते माता कौशल्या राम और लक्ष्मण अपन महल के तहत आवत देखते ना तो माता कौशल्या बड़ा गदगद हो जाते माता कौशल्या प्रसन्न है जाके माँ के शिक्षण में प्रणाम कर सिर झुकावल राम और लक्ष्मण कहते माँ हमला पीदा दे मैया हमन विश्वमित्र महाराज के यज्ञ रक्षा बन जावत है हमला पीदा दे माता राम के लक्ष्मण के गोठ लक्ष्मण के माता कौशल्या का कहा थे पीता राम पीता लक्ष्मण तुहर पाँव बड़ा कोमल कोमल है पीता जंगल में कांटा खुटी है हम लोग ना तुहर पाँव में कांटा मत गड़ा बेटा तुम लगा को नजर मत गड़े बोला माता कौशल्या राम और लक्ष्मण ला तत्काल गुरु के श्री चरण में समर्पित करे बर राम और लक्ष्मण प्रेरित करते हैं राम और लक्ष्मण सच बात है आज हमार गांव गली खोर में कोई जोगी आते ना तो महादारी हा लेकर झचका देते कहते बेटा जोगी आ है लेकर खेलत रही गली में भीतरी कोई हम जाके गुजर जाते चिंतन करे के बाद रामचरित्र मानस हम शिक्षक थे अरे माता होना तो कौशल्या जैसे जैन माता तत्काल विश्वमित्र महाराज के श्री चरण में राम और लक्ष्मण ला सोपा थे और सुंदर आशीर्वाद देवा का कहे लगी छनी ककरो नजर हो दुलरुआ पिता
तैयार हुए थे विश्वामित्र महाराज सुंदर वीदा पाथे और अवध्या के नगर से निकला थे और जंगल के रास्ता लेके जावा थे। जंगल के जंगो जीव बेंद्रा भालू चिड़ई चिरकुन मन जान थे कि भगवान हमार अंगना में आ थे हमार जंगल में आवा थे। ऐसे कही के जान गए अपन अपन खोह से निकल के भगवान के दर्शन पर भगवान के इर्द इर्द घूमे पर लग थे विचरण करे पर लग थे और राम और लक्ष्मण लेके विश्वामित्र महाराज सुंदर जंगल में प्रवेश कर थे। ये जंगल जंगल जम्मू जंगल के जीवन दर्शन पाके कृत कृत्य हो जाते अपन अपन खोह में चले जाते। सुन संगी सुन भैया राम कथा या मैया राम कथा या मैया